लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवीन भाई, कांग्रेस में अब इनकमिंग शुरू हो गई है। आज बीजेपी और दूसरे दलों के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक ने वार्षिक बीजेपी कार्यकर्ता राहुल पाटिल, विक्रम पाटिल और सचिन मुंडे समेत कई युवा पदाधिकारियों को पार्टी में प्रवेश कराया। अनिल कौशिक ने विश्वास जताया कि नए कार्यकर्ताओं के आने से नवी मुंबई कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी और मोदी सरकार से जनता का मोह भंग हो रहा है, इसलिए जनता कांग्रेस की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। अनिल कौशिक ने दावा किया कि प्रांताध्यक्ष नाना पटोले के मार्गदर्शन के बाद पार्टी में नई ऊर्जा आ गई है और सभी नेता पदाधिकारी काम में जुट गए हैं, जिसका असर नवी मुंबई मनपा चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई कांग्रेस एक बार फिर मजबूत होने लगी है। तमाम दलों के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में प्रवेश इसका संकेत देता है। आज वासी विभाग के दर्जनों बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नवी मुंबई कांग्रेस का दामन थाम लिया। वासी के नवीनीकृत कांग्रेस भवन में जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक ने साफा पहनाकर सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी में प्रवेश करवाया। इस अवसर पर कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक ने कहा कि बीजेपी की कार्यप्रणाली से जनता का मोहभंग हो रहा है, उन्हें फिर कांग्रेस की सरकार चाहिए और इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अनिल कौशिक ने विश्वास जताया कि ऐसे कार्यकर्ताओं के आने से नई मुंबई कांग्रेस और भी मजबूत बनेगी और महानगर पालिका चुनाव में पूरे दमखम के साथ अपना वर्चस्व कायम करेगी। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। राहुल पाटिल, विक्रम केवट, सचिन मुंडे, विक्रम पाटिल, अली शिंदे और इनके सहकारी, इन सब ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और विशेषकर जिस पार्टी ने इस देश को गति दी, दिशा दी, विकासशील देश बनाया, उन नेताओं के आदर्श को आगे लेके पार्टी प्रवेश करना निश्चय किया और मैं इनका नवी मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने नाते स्वागत करता हूं और इस नौजवान पीढ़ी का राजकीय भविष्य उज्जवल हो मैं शुभेच्छा देता हूं। आदरणीय सोनिया गांधी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राहुल गांधी हमारे नेता और हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट भाव नाना पटोले साहब, उनके नेतृत्व को हमारे युवा पीढ़ी ने आज बताए हुए रास्ते पे चलने की इन्होंने ठानी है। बीजेपी की जो नीति है वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि वो झूठ का गुब्बारा है। झूठ का गुब्बारा ज़्यादा दिन हवा में टिक नहीं सकता है, तो उसको डूबना ही डूबना। युवा पीढ़ी परेशान हाल है, उनको अपने घर का चलाना मुश्किल है, इसलिए युवा पीढ़ी आज कांग्रेस के साथ आने को तैयार है। बता दें कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कार्यकर्ताओं में विक्रम पाटिल, राहुल पाटिल, सचिन मुंडे, अनिल शिंदे समेत तमाम पदाधिकारियों का समावेश है। राहुल पाटिल ने कहा कि उन्हें बीजेपी सरकार से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन मोदी सरकार महंगाई रोकने और युवाओं को नौकरी दिलाने में नाकाम रही है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी में आने का फैसला किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक के नेतृत्व में पार्टी को वासी में नई मजबूती देने का काम करेंगे। अध्यक्ष अनिल कौशिक साहब उनके नेतृत्व में आज हम लोग वासी के मेरे सहकारी मैं हम लोग सब लोग कांग्रेस पक्ष का काम देख के आज बीजेपी 5 साल से जो काम कर रही है या 10 साल से जो काम कर रही है उसके ऊपर हम लोग एक सब लोग ग्रुप में जब बैठते हैं तब एक ही चर्चा होती कि आज जो महंगाई ये सब हुआ है इसके कारण आज लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को एक चीड़े मन में, तो उसकी पहल हम युवा सहकारी लोग मेरे उन्होंने की है और एक नए युग को देखने के लिए आज कांग्रेस पक्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और जिलाध्यक्ष साहब अनिल कौशिक साहब का काम हम लोग बहुत सालों से देख रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में काम करने का मौका हमको आज मिल रहा है, उसके लिए आज हमें बहुत खुशी है और हम लोग अच्छा और बहुत ही मन से कांग्रेस पक्ष में काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।